अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन जो कि एक पोइम है और इस पोइम का नेम है द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत फूल, रिटन बाय चेरिल एल कोस्टेलो फोर्शी। तो इन्होंने ये पोइम लिखी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम। पहले एक दफ़ा हम पोइम रीड आउट कर लें, उसके बाद हम फिर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। द पार्क बेंच वॉज डेजर्टेड एज आई सेट डाउन टू रीड बीनीथ द लॉन्ग स्ट्रेगली ब्रांचेस ऑफ एन ओल्ड विलो ट्री डिसइल्यूजन्ड बाय लाइफ विद गुड रीजन टू फ्रॉन फॉर द वर्ल्ड वॉज इंटेंट ऑन ड्रैगिंग मी डाउन एंड इफ दैट were not enough to ruin my day, a young boy out of breath approached me, all tired from play. He stood right before me with his head tilted down and said with great excitement, look what I found. अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। द पार्क बेंच वॉज डिजर्टेड के पार्क का जो बेंच है वो खाली था, डेजर्टेड वेरान को कहते हैं। एज आई सेट डाउन टू रीड जब मैं वहाँ उसके नीचे बैठा पढ़ने के लिए, बीनीथ द लॉन्ग स्ट्रेगली ब्रांचेस ऑफ एन ओल्ड विलो ट्री, बीनीथ द लॉन्ग नीचे लंबे, किसके नीचे लंबे और स्ट्रैगली, स्ट्रैगली कहते हैं बहुत ही सख्त से जो पत्ते होते हैं, कि ऑफ एन ओल्ड विलो ट्री बूढ़े बेत के जो दरख्त है उसके सख्त पत्तों और जो उसकी बड़ी बड़ी शाखें हैं उनके नीचे जब मैं बैठी पढ़ने के लिए, डिसइल्यूजन्ड बाय लाइफ विद गुड रीजंस टू फ्रॉन, डिसइल्यूजन्ड के मायूस हुई हुई थी ज़िंदगी से, विद गुड रीजंस अच्छे रीजंस के साथ, अच्छे जवाब के साथ, टू फ्रॉन, फ्रॉन कहते हैं माथे पर बल डालकर, मतलब कि बड़ी ही बैठी है वहाँ पर पढ़ने और ज़िंदगी से भी मायूस हुई हुई और माथे पे बल डाल के बड़े ही अफसरदा से मूड में वहाँ बैठी है ये ऑथर या राइटर हमारी बुक पढ़ने के लिए। फॉर द वर्ल्ड वॉज इंटेंट ऑन ड्रैगिंग मी डाउन, क्योंकि फॉर द वर्ल्ड ये जो दुनिया है वॉज इंटेंट, इंटेंट होता है पक्का इरादा करना, ऑन ड्रैगिंग मी डाउन, ड्रैगिंग ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, डाउन नीचे, कि ये दुनिया जो है वो मुझे नीचे घसीटने का पक्का इरादा किए हुए थी। एंड इफ दैट वर नॉट enough to ruin my day, कहती हैं कि अगर वो मेरा दिन बर्बाद करने के लिए काफ़ी ना होते, ruin का मतलब होता है तबाह बर्बाद। A young boy out of breath approached me, एक नौजवान लड़का out of breath मतलब फूली हुई सांस के साथ approached me मेरे पास पहुँचा, all tired from play जो कि खेल से बुरी तरह से थक चुका था, ही स्टूड राइट बिफोर मी वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, विद हिज हेड टिल्टेड डाउन और उसने अपना सर, टिल्टेड का मतलब होता है झुका होना, उसने अपना सर नीचे को झुका हुआ था, झुकाया हुआ था, एंड सेड विद ग्रेट एक्साइटमेंट और उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पुरजोश जो है जोश के साथ कहा मुझे, लुक व्हाट आई फाउंड देखो मुझे क्या मिला है। In his hand was a flower, and what a pitiful sight, with its petals all worn, not enough rain or too little light. Wanting him to take this dead flower and go off to play, I faked a smile and then shifted away. But instead of
Retreating, he sat next to my side and placed the flower to his nose and declared with overacted surprise, "It sure smells pretty and it's beautiful too. That's why I picked it here. It's for you." क्या कह रहा है? अब वो लड़का उनके साथ आकर बैठ गया है और उसके हाथ में क्या था? In his hand was a flower. उसके हाथ में एक फूल था. And what a pitiful sight. और कितना ही pitiful होता है, काबले रहम, कितना काबले रहम मंजर था. With its petals all worn. उसकी जो फूलों की पत्तियाँ थीं, worn के वो बिल्कुल ही निढाल थीं या टूटी हुई थीं. Not enough rain. ज़्यादा बारिश ना होने की वजह से. Or too little light, या कम रोशनी मिलने की वजह से, यानी कि सूरज की रोशनी कम मिलने की वजह से. Wanting him to take his dead flower, अब वो औरत क्या चाह रही है जो बेंच पे बैठी है? वो चाहती हैं कि वो अपना ये मुर्दा फूल ले and go off to play, और खेलने के लिए वापस चला जाए. I faked a smile. फिर उन्होंने क्या किया उस लेडी ने? फेक्ट के झूठी स्माइल, मुस्कुराहट, एक झूठी मुस्कुराहट उसे दी. एंड देन शिफ्टेड अवे, फिर वो थोड़ा सा जो है परे हो गई. बट इंस्टेड ऑफ रिट्रीटिंग, लेकिन पीछे हटने की बजाय, ही सेट नेक्स्ट टू माई साइड, वो मेरे बिल्कुल करीब तरीन बैठ गया. एंड प्लेस्ड द फ्लावर टू हिज नोज, और वो जो फूल है वो अपनी नाक तक ले गया. एंड डिक्लेयर्ड विद ओवर एक्टेड सरप्राइज, और उसने एक बहुत ही ज़्यादा हैरानगी से इनकशाफ किया, हैरान होकर कहा, इट श्योर स्मेल्स प्रीटी एंड इट्स ब्यूटीफुल टू, यकीनन इसकी खुशबू अच्छी है और ये खूबसूरत भी है. That's why, इसीलिए, I picked it, मैंने इसे उठाया है, here, यहाँ से, it's for you, तुम्हारे लिए. The weed before me was dying or dead, not vibrant of colors, orange, yellow or red. But I knew I must take it, or he might never leave. So I reached for the flower and replied, just what I need. But instead of placing the flower in my hand, he held it mid-air without reason or plan. It was then that I noticed for the first time that weed totting boy could not see, he was blind. The weed before me, weed कहते हैं सूखी हुई घास को, कि मेरे सामने जो घास थी was dying or dead, वो या तो सूख रही थी या सूखी थी. Not vibrant of colors, और ना ही उसमें कोई ज़िंदगी के मुतहरिक रंग थे, जैसे कि ऑरेंज, येलो, रेड, इस तरह के कोई भी रंग नहीं थे उनमें. But I knew I must take it, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे ये ज़रूर लेना चाहिए, वो सूखा हुआ फूल जो वो बच्चा दे रहा था. और ही माइट नेवर लीव, या मुमकिन है वो जाए ही ना, कि जब तक मैं उससे फूल ना लूँ. So I reached for the flower, लिहाजा मैं फूल लेने के लिए पहुंची. And replied, और मैंने जवाब दिया, just what I need, बिल्कुल वही जिसकी मुझे ज़रूरत है. But लेकिन instead of placing the flower my hand, मेरे हाथ पर फूल रखने की बजाय, he held it mid air, उसने क्या किया? He held it mid air, उसने हवा के ऊपर फूल उछाल दिया. विदाउट रीज़न, बगैर किसी वजह के, और प्लान, या बगैर किसी मंसूबे के. इट वॉज देन दैट आई नोटिस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तब था जब मैंने पहली दफ़ा नोट किया या महसूस किया, दैट वीट टोटिंग बॉय, कि वो घास, सूखी हुई घास का मुजाहिरा करने वाला लड़का, कुड नॉट सी, देख नहीं सकता था. ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था.
I heard my voice quiver, tears shone in the sun, as I thanked him for picking the very best one. You are welcome, he smiled and then ran off to play, unaware of the impact he had on my day. I sat there and wondered how he managed to see a self-pitying woman beneath an old willow tree. How did he know of my self-indulged plight? Perhaps from his heart he would be blessed with true sight. I heard my voice quiver. क्विवर होता है कांपती हुई. मैंने अपनी आवाज़ कांपती हुई सुनी. टीयर्स शोन इन द सन, धूप में आंसू जो है, टीयर्स आंसू वो चमके. एस आई थैंक्ड हिम फॉर पिकिंग द वेरी बेस्ट वन, जब मैंने निहायत ही बेहतरीन फूल तोड़ने पर उसका शुक्रिया अदा किया. यू आर वेलकम, उसने आगे से जवाब दिया कि आपका भी शुक्रिया. ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया. एंड देन रन ऑफ टू प्ले, और फिर खेलने के लिए दौड़ गया. अनअवेयर, इस बात से बेखबर. ऑफ द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट वो असर या तासुर. ही हैड ऑन माई डे, जो उसने मेरे दिन पर डाल दिया था. आई सेट देयर एंड वंडर्ड हाउ ही मैनेज्ड टू सी, मैं वहाँ बैठी और हैरान हो रही थी कि वो किस तरह से उसने देखने का एहतमाम किया, वो कैसे देख सकता था. अ सेल्फ पिटिंग वुमेन, एक खुद पर तरस खाने वाली औरत. बीनीथ एन ओल्ड विलो ट्री, जो कि बूढ़े बेत के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी. हाउ डिड ही नो ऑफ माई सेल्फ इंडल्ज्ड प्लाइट, किस तरह से उसे मेरी जो है सेल्फ इंडल्ज के मैं अपने आप में जो गुम हालत है उसका उसे पता चला कि मेरी हालत ज़ार कि मैं बिल्कुल ही अपने आप में गुम रहने वाली जो हूँ, उसे कैसे पता चला. Perhaps, शायद. From his heart, अपने दिल से. He had been blessed, वो नवाजा गया था. With true sight, सच्ची बसारत के साथ, मतलब वो दिल की आँखों से नवाजा गया था. Through the eyes of a blind child, at last I could see. The problem was not with the world, the problem was me. And for all of those times, I myself had been blind. I loved to see the beauty in life and appreciate every second that's mine. And then I held that wilted flower up to my nose and breathed in the fragrance of a beautiful rose, and smiled as I watched the young boy, another weed in hand, about to change the life of an unsuspecting old man. Through the eyes of a blind child, एक अंधे बच्चे की आँखों के जरिए. At last I could see, कम अज़ कम मैं देख सकती थी. The problem was not with the world, मसला दुनिया के साथ नहीं था. The problem was me, मसला मेरे साथ था. And for all of those times, और उन सारे वक्तों के लिए. I myself had been blind, मैं खुद अंधी हो गई थी. I loved to see the beauty in life, I vowed. Vowed होता है प्रोमिस करना. मैंने अपने आप से वादा किया. टू सी द ब्यूटी इन लाइफ, कि मैं ज़िंदगी के हुसन को देखूँगी. एंड अप्रिशिएट, और तारीफ करूँगी. एवरी सेकेंड दैट्स माइन, हर उस सेकेंड का जो मेरा है उससे मैं लुत्फानंदोज़ होंगी. एंड देन, और फिर. आई हेल्ड दैट विल्टेड फ्लावर अप टू माई नोज़, मैंने वो सूखा हुआ या मुरझाया हुआ फूल अपनी नाक तक ले जाकर सूंघा. एंड ब्रेथेड इन द फ्रेग्रेंस ऑफ अ ब्यूटीफुल रोज, और मैं एक खूबसूरत गुलाब के फूल की खुशबू सांस के ज़रिए अंदर ले गई. एंड स्माइल एस आई वॉच्ड
दैट यंग बॉय, और मैं मुस्कुराई क्योंकि मैं उस नौजवान लड़के को देख रही थी। अनदर वीट इन हैंड, कि उसने एक दूसरा सूखा हुआ जो घास है या सूखा हुआ फूल अपने हाथ में लिया हुआ था। अबाउट टू चेंज द लाइफ ऑफ एन अनसस्पेक्टिंग ओल्ड मैन, और अबाउट टू चेंज, अब वो तब्दील करने के करीब था द लाइफ, जिंदगी ऑफ एन अनसस्पेक्टिंग ओल्ड मैन, एक गाफिल बूढ़े आदमी की ज़िंदगी अब वो तब्दील करने जा रहा था। जिस तरह उसने इस औरत को फूल दिया है, अब वो किसी और के पास जाकर किसी और को फ्लावर दे रहा था, तो वो ये देखकर मुस्कुरा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर का टेक्स्ट बुक वाला जो लेसन है, जो तो यहाँ पे हमारी पोइम का एंड होता है।